ये है एपी न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं आखर प्रहरी, खबरों की पड़ताल तह तक। राजधानी में जाप के द्वारा लगातार महंगाई और पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। जाप नेताओं ने पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों के विरोध में चरणबद्ध आंदोलन किया है। चाहे मोटरसाइकिल को भैंसों से खींचवाना हो या खुद मोटरसाइकिल खींचना हो, आज भी जाप युवा विंग कार्यकर्ताओं ने राजधानी में पेट्रोल डीजल और महंगाई के खिलाफ प्रदर्शन जारी रखा। जाप युवा विंग ने राज्य व्यापी बैलगाड़ी और टमटम मार्च किया। जाप कार्यकर्ताओं ने राजधानी की सड़कों पर बैलगाड़ी और टमटम दौड़ाते नजर आए। बैलगाड़ी पर मोटरसाइकिल को रखकर प्रदर्शन किया जा रहा था। जाप नेता सच्चिदानंद राय ने कहा कि देश में और राज्य में महंगाई चरम पर है। आम आदमी जरूरत के सामानों और पेट्रोल डीजल के महंगे होने से काफी परेशानी झेल रहे हैं, लेकिन सरकार इससे कोई मतलब नहीं रखना चाहता। क्यों महंगाई इतनी बढ़ी है आप लोग को बैलगाड़ी पे मोटरसाइकिल लेके चल रहा है? आज के डेट में जीना लोगों का मुहाल हो गया, लगातार जो है भुखमरी के कगार पे, और लगातार इस कोरोना काल में न रोजगार मिल रहा है न कुछ मिल रहा, और न सरकार जो है लगातार कीमतें जो है बढ़ा रही है, चाहे वह गैस हो चाहे वह पेट्रोल हो चाहे हर चीज का स्थिति ऐसा महंगा पड़ना हो गया है कि अब जो है लोग जो है दाने दाने को मोहताज है, और कच्चा तेल जो प्रति बैरल है उसकी भी कीमत उतना नहीं है जितने बिहार और केंद्र सरकार की टैक्सेस है। जनता के द्वारा कितना टैक्स चूसेगा यह सरकार, क्या चूस चूस के उसके खून के खून से खाने तक के लिए दाने दाने के लिए मार देगी जनता? स्थिति ऐसी आज बन पड़ी है जो बहुत ही भयावह है। आपका कड़ुआ तेल से लेकर के सारे आज हम लोग जो है बैलगाड़ी से घूमने का काम कर रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल का तो पैसा अब जुट में नहीं करता है, तो अब बैलगाड़ी से ना घूमेंगे? अब उपाय क्या है? जब जिस आदमी का पेट्रोल डीजल का इतना महंगा हो गया, रुपया नहीं जुट रहा है, तो हमको बैलगाड़ी से ही घूमना है, यही घूमने का काम कर रहे हैं, ताकि सरकार चेते और महंगाई जो है कम करे, इसके दाम को कम करे। सच्चा ज्यादा पिला दे।